नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जाने बिजनेस में आज होगा फायदा या नुकसान, हेल्थ में आज कैसे रखेंगे अपना ध्यान, क्या आज आपको मिल सकती है आपकी मनचाही नौकरी, क्या आपको मिलेगा आज आपका लव पार्टनर, इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। अब जानते हैं 16 मार्च 2024 दिन शनिवार, आज का पंचांग। विक्रम संवत 2080 हिंदू पंचांग के अनुसार मास फागुन है, पक्ष शुक्ल पक्ष और ऋतु वसंत ऋतु है। आज सप्तमी तिथि रात 9:38 तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज रोहिणी नक्षत्र शाम 4:05 तक रहेगा, इसके बाद मृगशीरा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग प्रीति योग शाम 6:08 तक रहेगा, इसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि में सुबह 4:21 तक गोचर करेंगे, इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। आज सूर्य मीन राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 6:29 तक होगा, आज चंद्रोदय सुबह 10:30 तक होगा। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से शुरू होकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। आज राहु काल सुबह 9:30 से शुरू होकर सुबह 11 तक रहेगा। अब जानते हैं 16 मार्च का राशिफल। पहली राशि मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, जैसा कि चंद्रमा आज वृषभ में है, आज आप अंततः अपने आत्म संगठन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए उस पूरी गंदगी से निपटने के लिए है जो आपने अब तक बनाई है। आपके जीवन के एक क्षेत्र को लेने का समय है, चाहे वो घरेलू हो या वित्तीय, जो कि सबसे ज्यादा गड़बड़ है, और आज से निपटना शुरू करें। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें हर एक पहलू को वर्गीकृत करें और अगले दिन आप एक पूरी नई और ताजा शुरुआत देखेंगे। ये आगामी दिनों में अत्यधिक उत्पादक बनने में आपकी सहायता करने जा रहा है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सलाह देते हैं कि आपको अपने जीवन में इस पहलू को कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे नुकसान होगा। लव लाइफ के मामले में क्या आप परेशान हैं कि आपके सपनों का पार्टनर कहाँ है? आज निश्चिंत रहें, सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप। आज के दिन आपको कोई ना कोई सही इंसान जरूर मिल जाएगा। करियर के मामले में आज आप काम और मस्ती दोनों ही कर सकेंगे। अपनी विभिन्न रुचियों को जानें और सोचें कि आप उन्हें काम के साथ कैसे मिला सकते हैं। अब आप अपनी रुचियों को अपने काम के साथ मिलाकर भी देख सकते हैं। अपनी व्यवसायिक व व्यक्तिगत रुचियों को अगर आप काम के साथ मिलाकर पूरा करें तो आपको लाभ मिलेगा। सोच समझकर किए गए निवेश आज आपको बड़ा लाभ देने वाले हैं। आगे कोई निवेश करने जा रहे हैं तो दोस्तों से इस संबंध में सलाह ले सकते हैं, वे आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं। उनकी बात मानिए फिर निवेश कीजिए। आगे चलकर आपको उसका अच्छा लाभ दिखेगा, एक कोशिश करके देखिए। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि आपके बीमार पड़ने पर आपके दोस्त व परिवार वाले हमेशा आपको सहारा देने को तैयार रहते हैं, इसलिए कोई भी परेशानी आने पर आप उन्हें बेहिचक बुला सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने प्रियजनों को आपने खूब सहारा दिया है और अब आपके प्रियजन आपको सहारा देंगे। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि का आज का राशिफल। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक, चंद्रमा की वृषभ राशि में उपस्थिति आज आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आ सकती है। इससे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता स्पष्ट टकराव है। किसी दूर स्थान से आपको मिलने वाली कोई भी खबर आज आपके पक्ष में नहीं हो सकती। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि इस दिन का उपयोग अपने जीवन को कुछ समय के लिए रोकने और अपने जीवन को सुधारने के लिए करें। कुछ अकेले में समय बिताने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। लव लाइफ के मामले में अपने पार्टनर की योग्यता को लेकर आप थोड़ा सा असंतुष्ट हो सकते हैं। आपको अपनी अपेक्षा में बहुत नीचे जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी यथार्थवादी बने। करियर के मामले में आज आप अपने निश्चित लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप अपने काम की रूपरेखा को सुधारना या बदलना चाहते हैं तो अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें, इससे आपको जल्दी सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति के मामले में पैसे की भरपूर आवक दिख रही है। बहुत पहले आपने कोई निवेश कर रखा था, उससे आज बड़ा लाभ मिलने वाला है। ये अचानक ही होगा, आप खुशी से उछल पड़ेंगे। हेल्थ के मामले में आज आप अपने परिवार वालों की अच्छी सेहत के लिए जांच कराएं, भले ही वे ठीक क्यों ना हो। आज
अगर उनको कोई बीमारी है तो वो बाहर निकलकर आ जाएगी अगर आप जांच कराते हैं। आज के दिन आपका भाग्यशाली रंग नीला रहेगा। दोपहर 3 बजे से पहले सभी पेंडिंग मामलों को पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो प्रिय मिथुन राशि के जातक, वृषभ में चांद अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज किसी कारण के चलते आप भ्रमित महसूस करेंगे और किसी चीज को लेकर कुछ फिक्रमंद भी रहेंगे। आज आप विनम्र एवं कूटनीतिक बनकर अपनी बाजी मार सकते हैं। अपने विचारों के प्रति स्पष्ट रहिए और अपना संयम खोना आपके लिए कतई सहायक साबित नहीं होगा। अगर आपको अपनी मंजिल पानी है तो एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार आपको कूटनीतिक बनने के लिए खुद को बार बार याद दिलाते रहना होगा। लव लाइफ के मामले में अगर आप पार्टनर की खोज में हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी अपेक्षाओं में अपने पार्टनर की योग्यता के मामले में थोड़ी ढिलाई देने की सोचें तो आज आपको वैसे पार्टनर से मुलाकात हो सकती है। आप ये मत सोचें कि आपकी अपेक्षा पर आपका पार्टनर पूरी तरह खरा उतरेगा, क्योंकि उससे आप ऐसे पार्टनर से मिलने का मौका भी खो देंगे जो आपको खुश रखेगा। करियर के मामले में अपनी व्यवसायिक सीमा को बढ़ाने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। ये वो दिन है जबकि आपके कदम धरती पर नहीं टिकेंगे। इस समय आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपका रुझान अपनी व्यवसायिक और सामाजिक योग्यताओं को बढ़ाने में रहेगा। समय निकाल कर अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानने की कोशिश करें और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करें। देखना, आज किए गए सुधार लंबे समय के लिए आपको लाभ देंगे। आज आप किसी ऐसी वित्तीय योजना के झांसे में मत फंस जाइएगा जो बाहर से दिखने में तो बहुत आकर्षक लगे लेकिन उससे उतना फायदा नहीं हो। झटपट अमीर होने वाली ऐसी योजनाओं से बचकर ही रहें। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज आप अपने परिवार वालों के साथ सेहत की जांच के लिए जाएं। ध्यान रहे, दांतों की जांच आज जरूर कराएं। सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए आज के दिन आवश्यक कार्यों को 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में ही करें। आज आपका शुभ रंग नारंगी बताया गया है। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है कर्क राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, जैसे कि चंद्रमा वृषभ राशि में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, आपकी जिंदगी बेहतर के लिए नया मोड़ ले सकती है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रेरणादायक है और लोग आपसे सुझाव मांगने के उद्देश्य से आपके पास आएंगे, क्योंकि आपकी ऊर्जा संक्रामक है। किसी भी तरह की गतिविधि पर ध्यान देने के लिए ये एक अच्छा दिन है जो आपको एक भावनात्मक तौर पर नवीनकरण प्रदान करेगा, खासकर उन लोगों के साथ जो आपके बहुत करीब हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी आपको सुझाव देते हैं कि रणनीति के हिसाब से सोचें और उसे अपनी सोच में बनाएं और चीजों को पूरा कर लें। लव लाइफ के मामले में आज आप यही सोचते रहेंगे कि मेरा पार्टनर कैसा होगा। आपका दिमाग इसी चीज को लेकर चक्कर काटता रहेगा। ये विचार अच्छे हैं पर इसे जिद का रूप ना दें। करियर के मामले में आज आपको कोई बढ़िया विचार सूझ सकता है जो कि भविष्य में आपको धन लाभ दिलाएगा। अपने विचारों में रचनात्मकता लाएं और ना जाने आपका कौन सा विचार आपके काम आ जाए। सोच समझकर ही कोई योजना बनाएं और उस पर आज ही काम शुरू कर दें। अगर आप व्यापार में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है। व्यापार में लाभ के संकेत हैं और कोई आर्थिक समस्या है तो वो दूर हो जाएगी। आपके लिए व्यापार और करियर के कुछ अच्छे विकल्प खुल रहे हैं, इसलिए आप कुछ नए आइडिया और संपर्क ढूंढने शुरू कर दीजिए। जिन्हें आप प्यार करते हैं, आज आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। उनकी सेहत अच्छी रहेगी मगर उन्हें जांच की आवश्यकता जरूर है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आज दोपहर 3 से 4 के बीच निपटा लें। किसी भी प्रकार का नीला रंग पहनने से आज का दिन आपका खराब हो सकता है, इसलिए इस दिन नीले रंग से आपको बहुत दूर रहना है। नीला रंग अपने आसपास नहीं रखना है। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, वृषभ राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण आप काफी भटक सकते हैं। शांत हो जाइए, क्रोधित होने के बजाय शांति से अपने शक के कारणों के बारे में सोचें। समझें कि आपको क्या परेशान कर रहा है। यदि महत्वपूर्ण हो तो अपने विचारों को लिखें और अपने प्रियजनों के साथ उनकी चर्चा करें।
एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि जब आप अपने विचारों पर चर्चा करेंगे तो ये आपके दिमाग को साफ कर देगा। लव लाइफ के मामले में आज आप थोड़ा निराश हो सकते हैं और उदास अनुभव करेंगे, क्योंकि आपने जैसे दिल दिया उसने उसका अनुकूल उत्तर नहीं दिया। आपको उसने मना नहीं किया, पर जिस गर्म जोशी और उमंग के साथ आपने कदम बढ़ाया था वो आपको वैसा आंसर नहीं मिला। धीरज रखें, अपने जज्बातों पर लगाम लगाएं, सफलता जरूर मिलेगी। कार्य क्षेत्र के मामले में काम और मौज मस्ती दोनों को एक साथ करना ये आपके करियर के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा से ही अपने काम और रुचियों को एक साथ मिलाकर काम करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि ये अवसर कहीं से भी आ सकते हैं आपके लाइफ में। आपकी मेहनत और सोच समझ कर बनाई गई योजना ने आपको आपके आगे के करियर के लिए तैयार कर दिया है। आज आप पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए खूब खर्च करेंगे और इससे लोगों में आपकी साख भी बढ़ेगी। बहुत दिनों से आप अपनी छवि को लेकर चिंतित थे, आपको वो मलाल था कि इतना सब कुछ होते हुए भी लोगों में आपका प्रभाव कायम नहीं हो रहा था। सो आपने कुछ जो कदम उठाए हैं वो बिल्कुल ठीक है। हेल्थ के मामले में आज आपको अपने प्रिय लोगों का ख्याल रखना होगा। हो सकता है आपका कोई करीबी बीमार हो तो वो अच्छा महसूस ना करे, इसलिए आप डॉक्टर के पास आज जरूर उनको जांच के लिए ले जाएं। चिंता की कोई बात नहीं है। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आज के दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच अपने जो भी काम है वो आप प्लान कर सकते हैं। आज के दिन के लिए आपका लकी कलर रेड रहेगा। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। तो प्रिय कन्या राशि के जातक, आज आप अपने जीवन के लक्ष्यों के बारे में थोड़ा सा आश्वस्त महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि में गोचर कर रहा है। विशेष रूप से आप अपने काम के बारे में सोच सकते हैं और खुद को सितारों तक पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन में ये जानते हैं कि मित्र, परिवार, धन, प्रसिद्धि और सफलता, इन सभी को एक साथ लेकर कैसे चलना है और इन सभी में अपना लक्ष्य किस प्रकार ऊंचा रखना है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी का कहना है कि आपको रास्ते में अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करने की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन जब तक बिल्कुल आवश्यक ना हो अपने लक्ष्यों को कभी भी कम ना करें, निरंतर प्रयास करते रहें। आज आप अपने रोमांस जीवन में महसूस करेंगे कि पार्टनर की खोज के मामले में पूर्णता की अपेक्षा के बजाय यथार्थवादी होकर यथासंभव अच्छे पार्टनर की खोज की जाए। पार्टनर से अगर कोई गलती होती है तो धीरज रखें, आपने भी कई दफा कोई ना कोई गलतियां की होंगी। बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो आज कार्यालय में दिन अच्छा रहेगा। कार्यालय में आज किए गए फैसलों का परिणाम जल्द ही दिखेगा, इसलिए आप सोच समझकर ही कोई फैसला लें। आपके पास अपने काम को सही तरह से आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान और योग्यता दोनों ही है, इसलिए फैसला लेते समय आत्मविश्वास बनाए रखें। आज किए गए काम शायद जल्द ही आपको अच्छे परिणाम देंगे। व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है और लाभ देखकर आप खुश हो जाएंगे। व्यापार से आपकी आर्थिक स्थिति खूब मजबूत हो रही है, ये आपके लिए खुशी की बात है। हालांकि ये आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आप तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ की बात की जाए तो आज आपको अपने परिवार वालों की सेहत के प्रति सावधानी बरतनी होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रहे कि आप उन्हें सालाना जांच के लिए लेकर जाएं। आपके लिए आज के दिन लकी समय दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे के बीच का रहेगा। आज के लिए नीला रंग आपका भाग्यशाली रंग साबित होगा। धन्यवाद। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्यों खास है आज का दिन। तो प्रिय तुला राशि के जातक, चंद्रमा का वृषभ राशि में गोचर आपको अभिव्यंजक और उत्साही बना रहा है। आज आप नई चीजें सीखने और तलाशने की तीव्र इच्छा से लबालब हो सकते हैं। आप दूसरों तक पहुंचने या फिर आप जो भी सीखते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में सक्षम होंगे। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार अगर किसी भी तरह से चीजें संतुलन से बाहर होने लगती हैं तो आपको आवश्यक समायोजन करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। बस स्वस्थ वार्तालाप पर ध्यान केंद्रित करें। लव लाइफ के मामले में रोमांस की दुनिया में आज आपको ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए जो आपको लगे कि आपका पैर जबरन खींच रहा है। ये परी की कहानियों में अच्छा लगता है, पर यथार्थ में आपको जमीन पर गिरा सकता है। करियर के मामले में आज आप अपने काम को लेकर खुश रहेंगे, आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलेगा।
जिन कर्मचारियों को उत्पादन बोनस मिलता है वो आज किसी इनाम की उम्मीद कर सकते हैं। आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, इससे आपको आज धन लाभ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लाभ मिलते ही आप आलसी हो जाएं। अगर आप आज किसी कॉन्फ्रेंस या सेमिनार में जा रहे हैं तो पाएंगे कि यहाँ आना आपके करियर के लिए बड़ा फायदेमंद हो रहा है। लोगों को अपने बारे में बताइए, आप पाएंगे कि कई बड़े काम के लोगों से आपका संपर्क बन रहा है और फिर आगे इसका ये फायदा आपको जरूर मिलेगा। हेल्थ के मामले में आज आपको अपने परिवार वालों को बीमारियों से बचाकर रखना चाहिए। ध्यान रहे आप ज्यादा तापमान और ज्यादा भीड़ वाली जगह ना जाएं। आप छोटी छोटी बीमारियां जैसे कि कफ और कोल्ड से थोड़ा सा बचाव आज कर सकते हैं। दोपहर 1:20 से 3 तक का समय भाग्यशाली रहेगा। आज के दिन के लिए आपका शुभ रंग सफेद रहेगा। धन्यवाद। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, वृषभ राशि में चंद्रमा के होने से ये आपको सही और अच्छी ही प्रेरणा दे सकते हैं, जिसे आपको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक परिवर्तन करने के लिए ये आपके लिए एक अच्छा दिन साबित हो सकता है। ये उस समय के बारे में भी है जब आपने खुद को किसी काम में मग्न किया और उस असंतोष का है जो तुम्हें नीचे और खींच रहा है। लव लाइफ के मामले में आज किसी नए रिश्ते को शुरू करने से पहले अच्छी तरह उसे परख लें। इस रिश्ते की सफलता के लिए तर्कसंगत बुद्धि का इस्तेमाल करें और बिना सोचे समझे हवा में ना बहें। आपके लिए रिश्ता अच्छा साबित हो सकता है। करियर के मामले में आज पूरा प्रयास करें कि आपके कार्यालय में सब ठीक चलता रहे। अपने सहकर्मियों और कर्मचारियों को उत्साहित करने के तरीके ढूंढें। आपको थोड़ा रचनात्मक होना होगा क्योंकि कार्यालय में लोगों में थोड़ा आलसीपन आ गया है। बढ़ावा देने वाली योजनाओं को आजमा कर देखें और पता करें कि आपकी टीम के लिए कौन सी योजना सही है। आखिर में शायद आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन लाभ की योजना का सहारा लेना पड़े। आपके व्यापार में आश्चर्यजनक तरक्की के संकेत हैं। अगर आप व्यापार में हैं तो आपको अपनी गतिविधियां और बढ़ानी होगी। हालांकि आपकी मौजूदा बिक्री अच्छे फायदे दे रही है, लेकिन नए ग्राहक बनने के कारण आपको अपना उत्पादन और अधिक करना होगा। अपने परिवार वालों की सेहत को लेकर आज आप थोड़ा घबराए हुए रहेंगे। चिंता ना करें, उनकी सेहत ठीक रहेगी। फिर भी उन्हें जांच के लिए लेकर जाएं। उनकी सेहत का खास ख्याल रखें। भूरा रंग पहनने से सकारात्मकता आएगी। शाम 5-6 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। तो प्रिय धनु राशि के जातक, आज चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश करने के कारण आप थोड़ा दुखी महसूस कर सकते हैं। अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में जो आपको नहीं लगता कि आपके सपनों के साथ व्यवस्थित हैं। आज आप डे ड्रीमिंग ना करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपके सपने हासिल करने के लिए बहुत बड़े या आपके सपने बहुत से बाहर हैं। यदि आप हमेशा महानता करने का प्रयास करते हुए विधि पूर्वक काम करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सकता हो। लव लाइफ के मामले में आज आपको लगेगा कि प्यार मिलते वक्त सितारे आपके पैर पीछे खींच रहे हैं। आप आज अपने सही पार्टनर से मिल तो जाएंगे पर डेटिंग की बात नहीं बन पाएगी। करियर में वृद्धि के लिए समय शुभ है। अगर आप पिछले कुछ समय से अपने करियर के बारे में कोई शुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे तो अब किसी दोस्त या सहकर्मी से आपको वो शुभ समाचार मिल सकता है। अगर आप व्यापार में हैं तो पाएंगे कि इन दिनों आपके माल की बिक्री का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है और आज भी ऐसा ही होगा। अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखिए, आपको लाभ होगा। आपके इस प्रदर्शन से आपके बड़े अधिकारी भी आपके कायल हो रहे हैं। हेल्थ के मामले में आपको अपने फैमिली की हेल्थ पर ध्यान देना होगा। ज्यादा तापमान वाली जगहों पर नहीं जाएं तो अच्छा रहेगा। ठंडा पानी, मिठाइयां, इन सब चीजों को अवॉइड करिए आज के दिन। आज के दिन शुभ रंग आपका रहेगा हल्का हरा रंग। दोपहर 1-2 का समय आपका शुभ समय रहेगा। धन्यवाद। अब बारी है मकर राशि वालों की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, आज चंद्रमा की उपस्थिति वृषभ राशि में है।
आपको बेहद थकान का अनुभव हो सकता है आज। दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने के लिए आज आपको हंसमुख और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अपनी मेहनत पर विश्वास रखें और आपको अपने आसपास की सकारात्मक चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। अपने सकारात्मक वाइब्स से अधिक सकारात्मकता एकत्रित करें। लव लाइफ के मामले में आज आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो वस्तुतः आपसे छल कर रहा है, इससे बचें। इसका रिश्ता पहले से ही किसी के साथ चल रहा था या बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं है, तो ऐसे किसी व्यक्ति से आज आपको बचकर रहना है। रोमांटिक रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ानी चाहिए। बात करते हैं आपके करियर की। आज आप जब अपने ही क्षेत्र में कुछ विशेषज्ञों से मिलेंगे तो आप करियर में आगे बढ़ जाएंगे। आप उनके ज्ञान और अनुभव का प्रयोग अपने किसी काम को आगे बढ़ाने में करें। आर्थिक स्थिति के मामले में हाल के दिनों में आप जहां भी हाथ डाल रहे हैं फायदा ही फायदा हो रहा है, यही सोचकर आप इन दिनों निवेश के मामले में कुछ बड़े जोखिम उठाने को तैयार हैं। हालांकि आप अब तक पारंपरिक तरीके से निवेश कर रहे थे और खर्च भी सोच समझकर कर रहे थे, लेकिन अब आप बड़े जोखिम उठाने की स्थिति में हैं। फिर भी सोच समझकर आगे बढ़िएगा। हेल्थ के मामले में आप जिन्हें प्यार करते हैं उनकी सेहत को लेकर आज कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। चिंता करने की बात नहीं है, आप सावधानी बरतें, कम से कम आप उन्हें भावनात्मक रूप से बांधे रखें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार हरा रंग आज आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य को शाम 5:30 से 7 के बीच में करें। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, आपका दिन थोड़ी निराशा के साथ आज शुरू हो सकता है, लेकिन वृषभ राशि में चंद्रमा की स्थिति ये सुनिश्चित करेगी कि ये अच्छी तरह से समाप्त हो। आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑफ द डे तक। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आप धैर्य रखें और दृढ़ संकल्प के साथ अपने काम करें, एक हसमुख रवैया बनाए रखें। आज आप बातचीत के वक्त बहस का विरोध ना करें, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। आपको इन प्रवृत्तियों पर लगाम लगानी चाहिए। सौभाग्य से आपका जो लव लाइफ में पार्टनर है वो सहनशील है और आपके इस तरह के मूड के पीछे की वजह भी समझ लेगा, तो आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन करियर के मामले में थोड़ा सा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। आज आपको अपने करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, इसका फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि ये लोग आपके लिए जो आपके ऑफिस में है वो आपका भला चाहते हैं और आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए आगे बढ़ाएंगे। अगर आप उत्पादन उद्योग में ही हैं तो आज आपके सामने फायदे पहुंचने वाले कई विकल्प आएंगे। इसमें आपको परेशानी भी नहीं होगी क्योंकि सभी विकल्प एक से बढ़कर एक हैं। हेल्थ के मामले में जो आपके आसपास रहते हैं, भले ही वो परिवार में हो या परिवार से बाहर, आपको उनकी सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपकी सेहत मजबूत रहेगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार हरा रंग आपके लिए सबसे अच्छा है आज। आज किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए शाम 5:30 से 7 का समय आपके लिए काफी शुभ रहेगा। धन्यवाद। और अब आती है बारी मीन राशि के जातकों की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, वृषभ राशि में चंद्रमा का गोचर आप पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। आप सकारात्मक ऊर्जा से अपने जीवन में सफल होंगे। आप अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर सकेंगे। भविष्य के लिए योजना बनाएं आज। लव लाइफ के मामले में प्यार की दुनिया में आज आप संभल के आगे बढ़ें, क्योंकि आज कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। अगर पिछले दिनों आपको किसी ने धोखा दिया है तो आप अब उनके बारे में दोबारा ना सोचें। करियर के मामले में आज के दिन अगर आप बीमा व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं तो आपके पास कुछ नए प्रस्ताव आ सकते हैं। अपने नवीन काम के लिए समय दें और आप देखेंगे कि कैसे समय करवट बदलता है। आज का दिन आपको सभी तरफ से लाभ पहुंचाने वाला है। आपको आज इस बात का बड़ा संतोष होगा कि आपकी स्थिति अब अच्छी हो रही है। आपकी कोई लॉटरी तो नहीं निकलने वाली, लेकिन इतना तो है कि आपकी परीक्षा का अच्छा परिणाम तो मिलने ही वाला है। चिंतित ना हो, कुल मिलाकर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती जा रही है और निकट भविष्य में इसमें कोई गिरावट का भी डर नहीं है। हेल्थ के मामले में आज दवाओं पर कुछ खर्चा हो सकता है जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति आपको लगता है कि बिगड़ रही है। ये खर्चे
आप पर नहीं होंगे, लेकिन हो सकता है घर में कोई बीमार पड़ जाए, इसलिए ख्याल रखें। ये बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति कुछ ही दिन रहेगी, आगे चीजें ठीक हो जाएंगी। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार शाम 5 बजे से पहले कोई भी काम पूरा करने की कोशिश करें, आपके लिए शुभ समय रहेगा। बैंगनी आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। ये राशिफल चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर, आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। तो आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप एस्ट्रो योगी के लाइव सेशन पर भी फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप या लॉग इन करें astroyogi.com पर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।